नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाड़मेर जिले में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप लोगों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद ये झोला छाप लोग इस प्रकार के काम लगातार करते जा रहे हैं, जिससे कल शाम को बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के सनावड़ा गांव में एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके परिजन और पुलिस उसके शव को लेकर बाड़मेर के जिला अस्पताल आए हैं, और जहां पर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय बच्ची को मलेरिया का बुखार आ रखा था और उसका इंजेक्शन लगाने के लिए उसे सनावड़ा स्थित एक मेडिकल स्टोर पर लेकर आए, जहां पर तथाकथित एक कंपाउंडर ने उस बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया, और इसमें परिजनों का आरोप है कि उस कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। और मौत के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सदर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश करने के बाद शव को जिला अस्पताल लाया गया है। फिलहाल मोर्चरी में उसको रखा गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों से रिपोर्ट ली जाएगी, और पुलिस का भी यही कहना है कि जैसे ही परिजन रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बाड़मेर की पहली ऐसी घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस प्रकार के झोला छाप लोगों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन या चिकित्सा विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। और ऐसे में इस प्रकार के झोला छाप लोगों के हौसले लगातार बुलंद होते जाते हैं, और कार्रवाई नहीं होने के कारण ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के गलत इंजेक्शन लगाने का और गलत इलाज करने का काम करते रहते हैं। ऐसे में कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बाड़मेर में लगातार लगभग हर महीने इस प्रकार की घटना होती जा रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस प्रकार के लोगों पर कब प्रभावी कार्रवाई करेगी और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। नावड़ा से आए हैं, मेरा नाम खेताराम है। क्या हुआ था, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, मेरे छोटी बहन है वो चिनावड़ा मेडिकल है, उस पर कल लेके आए थे 4 बजे, उसने सुई लगाई, सुई लगाने से उसकी मृत्यु हो गई। कौन है डॉक्टर, क्या नाम है? डॉक्टर है गणपत सियाग। कहाँ के रहने वाले हो? वो चिनावड़ा ही रहने वाले हैं, और मेडिकल का नाम है डी आर मेडिकल सियाग मेडिकल कॉलेज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मुकदमा हो गया, दर्ज करो। मुकदमा भी दर्ज करवाया हुआ है, और बाकी वाले सब गांव वाले वो भी आ रहे हैं। बाकी का जो करना है, जो आगे पेंडिंग है, जो क्या करना है वो तो अभी। बच्ची कितनी पढ़ाई कर रही थी? क्या बच्ची पढ़ाई कर रही थी? 5 थी। उम्र क्या थी? 10 साल। क्या नाम था बच्ची का? तो लक्ष्मी। लगभग 5 बजे की बात है, बच्चे को मलेरिया बुखार था, ये अपने दिखाने के लिए और सुनावड़ा में एक मेडिकल स्टोर है वहाँ लाए थे, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो चुकी। परिजनों ने यह बताया कि कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगवाया गया। जांच जारी है, जो भी जांच में होगा। डॉक्टर झोला छाप है या फिर कोई लाइसेंस? अभी तक ये तफ्तीश का मुद्दा है, तफ्तीश होने के बाद ही क्लियर होगा। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह दी? अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, रिपोर्ट देंगे। जो रिपोर्ट देंगे जैसी कार्रवाई करेंगे। परिजन आ रहे हैं, लड़की के पिताजी आ रहे हैं, अभी जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने अभी मोटा मोटी मुख्या जांच सामने आया है। अभी तक मौके पे गए थे तो वो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह वहीं खत्म हुई थी। कई लोग बता रहे हैं कि इंजेक्शन दिया। अब सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो भी है जांच में क्लियर होगा। अभी तक कोई फैक्ट न्यूज नहीं बता सकते कि क्या मामला। जैसी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार कार्रवाई करते हैं।